हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गूगल ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि गूगल ड्राइव क्या है और इसके यूजर्स क्या है। वो सब इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब टॉपिक में आते हैं दोस्तों। गूगल ड्राइव गूगल ने डेवलप की गई एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जो आपकी डाटा को लाइक फोटोज, वीडियोस, फाइल्स और एप्लीकेशंस को क्लाउड में स्टोर करने में आपकी मदद करता है और इसे आप डेस्कटॉप पे या कोई भी फोन से एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी सिर्फ आपके जीमेल आईडी से। हाँ दोस्तों, सिर्फ एक जीमेल आईडी से। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इधर गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आप इधर गूगल ड्राइव मेन स्क्रीन देख सकते हैं। इधर अभी आपको काली दिखेगा क्योंकि मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, इसलिए इधर नीचे आपको प्लस सिंबल देखने को मिलेगा। इसकी मदद से फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और ऊपर आपको माई ड्राइव और कंप्यूटर्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये कंप्यूटर्स ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप चाहे तो आप अपने फोन को कंप्यूटर के साथ सिंक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंक करने से आपको क्या यूज होता है। जब आप अपने फोन को कंप्यूटर के साथ सिंक करते हैं तो आप कंप्यूटर में जब भी कोई भी फाइल को डाउनलोड या कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली फोन में भी अवेलेबल हो जाता है। और आप कोई भी डिवाइस पर सेम जीमेल आईडी से गूगल ड्राइव पर लॉगिन करते हैं तो वो सारी फाइल्स आपको एक साथ गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में सभी डिवाइसेस पर देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि फोन में गूगल ड्राइव को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में टैप करोगे तो आप उधर सारे ऑप्शन देख सकते हैं और लास्ट में आपको स्टोरेज ऑप्शन पर 15 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और ये 15 GB एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे आपको फ्री में मिलता है और आप चाहे तो स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे करने के लिए स्टोरेज ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो आपको इधर 100 GB से लेकर 30 TB तक का ऑप्शंस दिखाता है, पर आपको 15 GB तक का ही फ्री स्टोरेज है। एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको इधर परचेस करना पड़ेगा। आप इधर देख सकते हैं कितना अमाउंट पे करने पर आपको कितना स्टोरेज मिलता है और इधर आपको वो 15 GB स्टोरेज स्पेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटोज में डिवाइड किया गया है। और गूगल ड्राइव में फाइल्स को अपलोड करने के लिए आपको प्लस सिंबल पर टैप करना पड़ेगा। टैप करते ही आप इधर 6 ऑप्शंस देख सकते हैं। पहले आपको फोल्डर ऑप्शन दिखेगा, इससे आप सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने फोटोज, वीडियोस और फाइल्स के लिए। इसके बाद आपको अपलोड ऑप्शन दिखेगा, इससे आप फोन मेमोरी में हुए फोटोज, वीडियोस को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्कैन ऑप्शन दिखेगा, ये आपकी फोन की कैमरा की मदद से कोई भी बुक्स या पेपर्स में हुए पैराग्राफ को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकता है। इससे छोड़कर आपको इसमें गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स देखने को मिलता है। आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इधर एक अपलोडेड फोटो देख सकते हैं। इसके नीचे 3 डॉट पर प्रेस करोगे तो आपको सारा ऑप्शंस दिखाई देगा। इसमें शेयर ऑप्शन से आप अपनी फाइल को किसी को भी सेंड कर सकते हैं। और इसमें एक और बढ़िया फीचर ये है कि आप इधर साइड में एक पेन जैसा सिंबल देख सकते हैं। उस पर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, कैन एडिट, कैन कमेंट और कैन व्यू। आप इसमें किसी को भी सेट करके सेंड कर सकते हैं। अगर आप कैन एडिट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अपने सेंड करी फाइल को दूसरा व्यक्ति एडिट कर सकता है। अगर आप कैन एडिट ऑप्शन को ऑफ करके सेंड करते हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ फाइल को देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। इसी तरह कैन कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं और कैन व्यू ऑप्शन में देख सकते हैं फाइल को। तो ये थी शेयर ऑप्शन के बारे में। अब इसके नीचे ऐड टू स्टार्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे आपके गूगल ड्राइव में ज्यादा फाइल्स रहता है तो पर्टिकुलर और इम्पोर्टेंट फाइल को स्टार्ट करके रख सकते हैं। इस तरह करने से आपको फाइल्स ढूंढने में आसान होता है। और इसके नीचे आपको मेक अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन मिलेगा। इसको अनेबल करने से आपके गूगल ड्राइव फोल्डर्स में हुए फाइल्स को विदाउट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको तब यूज में आएगा जब आपको इंटरनेट नहीं मिलता हो। इसे छोड़कर लिंक शेयरिंग ऑप्शन मिलेगा, ये आपकी फाइल को लिंक में भेजने में हेल्प करता है और दूसरा व्यक्ति लिंक को ओपन करके फाइल देख सकते हैं। और इसे छोड़कर आपको कॉपी लिंक और मेक कॉपी ऑप्शन मिलेगा, इससे आप अपनी फाइल को डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी रख सकते हैं आपके पास। और सेंड ए कॉपी ऑप्शन से आपके फाइल की कॉपी को किसी और को सेंड कर सकते हैं। और इधर ओपन विथ ऑप्शन में आप फाइल को किस सॉफ्टवेयर से ओपन करना चाहते हैं उसे सेट कर सकते हैं। और डाउनलोड ऑप्शन में आपकी गूगल ड्राइव फाइल को अपने फोन मेमोरी में या डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। रीनेम ऑप्शन से आप अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हैं और मूव ऑप्शन से आप अपने फाइल को दूसरे फोल्डर पर मूव कर सकते हैं। इसे छोड़कर इधर आपको डिटेल्स एंड एक्टिविटी, प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन जब आपकी फोन प्रिंटर से कनेक्टेड रहती है, और ऐड टू होम स्क्रीन ऑप्शन और फाइल को डिलीट करने के लिए रिमूव ऑप्शन मिलेगा। आपके पास गूगल ड्राइव एप्लीकेशन है तो आपको पेन ड्राइव कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 15 GB तक का फाइल आप आराम से गूगल ड्राइव पर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट भी कर दो।